हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और राधे राधे सभी को। मुझे हो रहा है फीवर, अभी भी पहले से कम है, पहले ज़्यादा था। और अभी सुबह के बज चुके हैं 4:15 और मैं 4:45 उठ गई थी क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो मैं सुबह कार्तिक स्नान कर रही हूँ डेली और अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और ये डेजी ने मुझे पंजा मार दिया था रात को, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर मैं अपना गर्म पानी लेके चली गई हूँ छज्जे पे। अभी देख लो बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है। मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तो गर्म पानी पी लेती हूँ, थोड़ा बाहर की फ्रेश एयर ले लेती हूँ। और मन्नी तो अभी सो के उठे नहीं थे क्योंकि वो आए ही 4 बजे के आसपास थे, तो सो के तो क्या ही उठेंगे इस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना पूरा व्लॉग शूट करूँगी कि मैं सुबह क्या कैसे करती हूँ, क्या रूटीन मेरा आजकल चल रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और फिर मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद हम तुलसा महारानी की पूजा करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है कार्तिक महीने में, क्योंकि हमारे श्री हरि को, हमारे लाला को बहुत प्रिय है तुलसा जी। उनके बिना तो वो भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, सबको पता होगा। तो हम दीप जलाएंगे, धूपबत्ती जलाएंगे और फिर हम कहानी पढ़ेंगे। और हाथ में आप सरसों वगैरह कुछ भी लेके या फूल लेके जो आपके पास अवेलेबल हो उससे कहानी पढ़ सकते हो। डेली अलग अलग कहानी आपको पढ़नी होती है। फिर उसके बाद तुलसी जी की आरती करेंगे। माधव के और श्यामा के भी दर्शन कर लो। इनको मैंने नहला दिया है और ये मैंने इनको नाइट ड्रेस ही बना दिया है क्योंकि रोज़ हैवी हैवी कपड़े पहनते हैं। मैंने सोचा आज कुछ लाइट पहनाऊंगी। और ये रहे दोनों बाबा हमारे, जय श्री श्याम बोलो और बोलो राधे राधे। सोने बच्चे बिल्कुल सुंदर सुंदर बन के बैठ गए हैं। अभी इनके लिए कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी, ठीक है लाला? अभी हम बनाएंगे नाश्ते में, देखते हैं क्या इनको खाना है, क्या ये बनवाते हैं। हमने सुबह की पूजा मतलब तुलसी महारानी की पूजा कर ली है और अपने तीनों बच्चों के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। अभी बारी है जो मंदिर में पूजा होनी है, वो पूजा मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी मैं जोत वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और पहले डिसाइड करती हूँ कि उनको नाश्ते में क्या देना है। मैं सोच रही हूँ कि अप्पे बना लेती हूँ, सूजी के अप्पे, चावल के नहीं, सूजी के। उसमें शिमला मिर्च, टमाटर और जीरा, हरी मिर्च वगैरह डाल के, लहसुन प्याज तो मैं खाने में डालती ही नहीं हूँ जैसे कि मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। और अभी पीछे से शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही हो, मैंने मशीन भी लगा दी है। अभी सुबह के 5:15 हुए हैं और मैं फटाफट सारा काम निपटा लूँगी क्योंकि फिर करवा चौथ की मेरे को मेहंदी भी लगवानी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन अगर टाइम से सारा काम निपटा लूँगी ना तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी काम इनका भोग, पहले उसकी तैयारी कर लेती हूँ। और दोपहर के लंच के लिए भी मैं जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ना वो मैं जल्दी ही बना के रख दूँगी ताकि फिर मैं मेहंदी लगवाऊँ तो फिर मुझे टेंशन ना हो कि इनको मैंने भोग में क्या देना है। तो चलते हैं, पहले इनके नाश्ते की तैयारी करते हैं फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ लाला के लिए भोग। भोग में मैंने बनाए हैं अप्पे, भोग मैंने उनको लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए, तो मैंने पायदान भी साथ साथ धो दिए थे। और फिर पायदान फैलाने के बाद मैंने मशीन वहाँ से हटा दी थी, स्विच वगैरह सब कुछ इकट्ठे करके रख दिए थे क्योंकि अभी इस टाइम 7 बजे के आसपास का कुछ समय हो रहा था। और फिर हमारी काम वाली भी आने वाली थी जो कि झाड़ू पोछा करती है, और बाकी के काम तो मैं खुद ही करती हूँ। झाड़ू पोछे के लिए मैंने मेड लगाई हुई है
और फिर मैंने डाला है कबूतरों को दाना, जो कि है बाजरा। बाजरा कबूतर बहुत शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैं उनको बाजरा डालती हूँ दिन में 4-5 बार। वो पेट भर के आराम से खाते हैं। थोड़ा बहुत छत पे डाल आती हूँ, नहीं तो यहाँ पे डाल देती हूँ दिन में 4-5 बार। और ये देखो, मैंने मेथी बोई थी गमले में, ट्राई किया था, मेथी के बीज रखे थे मेरे पास कि मैंने कहा बो के देखती हूँ होगी या नहीं होगी, तो बहुत अच्छे से हो गई है, तो आगे दोबारा बोऊंगी मैं। मैंने तो दोपहर के लिए आलू टमाटर की सब्जी भी बना दी है, अभी बनाई है, बस धुएं निकल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तो थोड़ा इसका मतलब थोड़ी थिक हो जाएगी। ये मटर मैंने नहीं डाली क्योंकि मोस्टली मैं आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ, आज सिर्फ आलू टमाटर की बनाई है। अभी इसमें जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी या फिर अभी थोड़ी देर बाद ना इसमें धनिया पत्ता मैं काट के डाल दूंगी, और फिर इसके साथ रोटी और खीरे, दोपहर का भोग हमारे लाला का तैयार हो जाएगा। अभी बज चुके हैं 7:35, 7:45 लगा लो आप सुबह के, तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, सो गई थी मैं 1.5-2 घंटे के लिए, और मैं अब उठी हूँ, अभी 2 बज रहे हैं, और उधर कुकर की सीटी बज रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ जीरा राइस। और मुझे मेहंदी भी लगवाने जाना है, मैं फटाफट से भोग लगा के 5 मिनट में, जीरा राइस बस बन ही चुके हैं, भोग लगा के फिर मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो जी, घर पे मैं आ चुकी हूँ, और आए हुए मुझे लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हैं, और मेहंदी मैंने हटा भी दिया, हटाए हुए मुझे 1.5-2 घंटा हो गया। एक्चुअली क्या है कि मैं फटाफट से मेहंदी हटा के गई थी सिलाई वाले के पास, मैंने अपना ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे रखा था, वो अभी तक स्टिच हुआ नहीं था, थोड़ी मतलब टाइट लग रहा था मेरे को ज़्यादा टाइट कपड़े मेरे से नहीं पहने जाते, लूज़ में पहन लेती हूँ लेकिन टाइट में नहीं पहनती। आप सबने देखा होगा कि मैं कभी टाइट कपड़े नहीं पहनती, मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील होता है, बहुत गर्मी गर्मी सी घुटन घुटन लगती है, तो वही लेने में गई थी। और मैंने इस मेहंदी को ना सिर्फ 1 घंटा मुश्किल से रखा होगा, मैंने पूरी हटा दी, और अभी जो इसमें कुछ ऐसा ऑरेंज सा शेड आ रखा है। पैरों में मैंने नॉर्मल जो डिज़ाइन होता है ना, वो ऐसे वो गोल गोल हम लगा लेते हैं साइड में बिंदी बिंदी, वो वाली लगा ली थी मैंने पैरों में खुद। और अब बारी है, अब मैं कपड़े चेंज कर लिए, पहले मैं हाथ और मुंह धो लेती हूँ, हाथ नहीं भिगोऊंगी अभी, तेल लगा रखा मैंने हाथों में, दोबारा से लगा लेती हूँ। अभी मेरे को करनी है पूजा, पूजा कर लेती हूँ मैं, और पूजा करने के बाद फिर लाला के भोग की तैयारी करते हैं कि उनको रात के भोग में क्या देना है। अभी मैंने उनको जूस पिलाया था मौसमी का और अनार का, और फिर वो प्रसाद मैंने पा लिया है, तो कर लेती हूँ मैं अपना काम। आप लोगों से मिलूंगी मैं अब अगले व्लॉग में, जो कि होगा करवा चौथ का व्लॉग, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ।